खरगोन जिले के बड़वा में अफसरों की उदासीनता के कारण कन्याशाला की बच्चियों को होना पड़ता है परेशान। ड्रेनेज का गंदा पानी स्कूल के बाहर व साथ ही साथ भवन के पीछे जमा हो जाता है, जिसके चलते स्कूली कक्ष भी जर्जर होने की स्थिति में है। वहीं बच्चों का स्कूल जाना हुआ दुशहार। मच्छरों का झुंड खून चूसता फिरता है ऊपर से। बदबू के कारण स्कूल स्टाफ व बच्चियां कई दिनों से परेशान दिखाई देती है। एक तरफ कोरोना काल की मार तो अब डेंगू जैसी बीमारी भी दस्तक दे चुकी है। जहां पर क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पर गंदा पानी इकट्ठा होता है। गंदे पानी की वजह से उग रही है कई प्रकार की बीमारियां। स्कूली बच्चों का कहना है कि मच्छर चूसते हैं खून चलती है खुजली व साथ ही साथ गंदे पानी से आती है बदबू। आखिर अफसरों की यह कैसी उदासीनता। IBN 24 न्यूज के लिए सुनील परिहार की रिपोर्ट। हम समय समय पर नगर पालिका को लिखित में आवेदन देते हैं और उनके द्वारा हर बार टीम आकर और गाजर घास की सफाई करती रहती है। कल भी यहाँ मैदान में जो है उन्होंने सफाई की है और बाकी जो गंदगी दिख रही है वो पानी जमा होने के कारण सफाई नहीं हो पा रही है। पानी जमा होने का कारण जो है ये हमारे परिसर में जो लोग रह रहे हैं इनकी नाली का पानी जो है प्रॉपर निकासी नहीं होने के कारण लीकेज है और पानी जो है काफ़ी समय से बना हुआ है और निश्चित ही गंदगी है। हमने प्रशासन को अवगत करवा दिया है और हमें आश्वासन भी मिला है और कार्य भी नगर पालिका ने स्टार्ट कर दिया है कि ये लाइन जो है सीवरेज लाइन से मिलके और हमारा जो नाली का पानी है उसको व्यवस्थित निकासी